जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी होगी। दोस्तों पहला अपडेट जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए होगा। दूसरा अपडेट सीनियर सिटीज़न कोटा में यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगा। तीसरा अपडेट एसी क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या सभी ट्रेनों में फिर से कोरोना काल से पहले वाली सुविधा जो जनरल टिकट पर यात्रा करने वाली होती थी उसको रेलवे शुरू कर देगा मार्च के महीने से। अभी रेलवे की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि सभी ट्रेनों में उस सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ ट्रेनों में इस सुविधा को शुरू किया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको धीरे धीरे करके उन पर जानकारी देता रहूँगा। मार्च के महीने से कुछ ऐसी ट्रेन आ सकती हैं या फिर आने वाली हैं जिन ट्रेनों में आप जनरल टिकट पर बड़ी आसानी से यात्रा कर पाएंगे। एक और एक छोटा सा अपडेट मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। होली आने वाली है मार्च के महीने में। होली से ठीक पहले भारतीय रेल कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाएगा। अगर आप अभी भी वेटिंग टिकट लेकर अपने टिकट को कंफर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो होली स्पेशल ट्रेन आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती हैं। जैसे ही ट्रेनों की घोषणा होगी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक जानकारी पहुँचाता रहूँगा। अब दोस्तों रेलवे से जुड़े हुए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। क्या रेलवे एसी क्लास में बेडरोल वाली सुविधा को फिर से शुरू कर देगा? जी हाँ, रेलवे इस सुविधा को शुरू करने वाला था लेकिन कोविड की थर्ड वेव के चलते इस सुविधा को रोक दिया गया था। हो सकता है मार्च के अंत तक इस सुविधा को फिर से शुरू कर दिया जाए और ट्रेनों के एसी क्लास में आपको बेडरोल वाली सुविधा मिल सकती है। एक खुशखबरी ये भी है कि रेलवे ने कुछ ट्रेनों में कोरोना काल के पहले जैसे पर्दे लगे रहते थे उस सुविधा को शुरू कर दिया है। अब दोस्तों अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। क्या वरिष्ठ नागरिकों को मार्च के महीने से सीनियर सिटीज़न कोटा में राहत मिलेगी? सीनियर सिटीज़न कोटा के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दो रियायतें मिलती हैं। पहली रियायत ये होती है कि उनको लोअर बर्थ पहले से ही ट्रेन में अलॉटेड होती है। उसका एक विशेष अलग से कोटा होता है जिसमें उनको लोअर बर्थ बड़ी आसानी से मिल जाती है। इस सुविधा को रेलवे ने नहीं हटाया है, ये सुविधा अभी भी चल रही है और इस सुविधा का लाभ वरिष्ठ नागरिक उठा सकते हैं। दूसरी सुविधा जो मिलती थी वो थी किराए में छूट वाली। इस सुविधा को रेलवे मार्च में शुरू नहीं कर रहा है। हो सकता है मार्च के अंत तक या फिर अप्रैल की शुरुआत में इस सुविधा को शुरू किया जाए। फिलहाल किराए में छूट से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट रेलवे की तरफ से अभी तक नहीं आया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी सवाल हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ या फिर आपकी रेल यात्रा से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।